जैसे आप देख रहे हैं पैरालम्पिक्स हो चुके हैं बट पैरालंपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं एक बार में जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं मैडम अवनी लखेरा है शूटर है तो इंडियन शूटर अवनी लखेरा और इनके साथ मोना अग्रवाल मनीष नरवाल इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला पैरालंपिक्स के पहले ही दिन हालांकि पैरिस ओलंपिक्स में हम लोग बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए सेवेंटी हम लोगों की पोजिशन रही बट पैरालंपिक्स में इंडिया ने बहुत कमाल करा अवनी लखेरा ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने बैक टू बैक मेडल जीते हैं लाइक पैरालंपिक्स पैरालंपिक्स में में इन्होंने इन्होंने पेरिस गोल्ड मेडल जीता इवेंट का नाम था वुमेन्स टेन मीटर एयर राइफल और कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है एस बेटा ये कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है एस का मतलब क्या है कि अगर आपकी एक लिम आपकी एक आर्म ट्रंक अगर इसमें से कुछ भी एक डिसेबल है तो आप एस एच वन कैटेगरी में आते हैं तो ये बहुत सारी कैटेगरीज आप लोगों ने बनाई है और यहाँ पर मैंने हर कैटेगरी एक डेफिनेशन दी है फिलहाल एस एच वन यहाँ पे लिखा नहीं है बट एस एच वन का मतलब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है यहाँ पर अवनी लखेरा के गोल्ड मेडल विक्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं देखिए इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर मैम ने टू पॉइंट्स लिए थे और काफी अच्छा रिकॉर्ड था इनका और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में टू पॉइंट्स के साथ शी हैज ब्रोकन हर ओन रिकॉर्ड और इसके बाद बात करते हैं देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर किसी एक पोजीशन पर ही आप लोग किसी इंडियन को देखेंगे या किसी एक पर्टिकुलर नेशन को देखेंगे हालांकि पेरिस ओलंपिक्स का या पेरिस पैरोलंपिक्स का पहला ही दिन हम, हम लोगों के लिए बहुत हिस्टोरिक रहा क्योंकि एक इवेंट में फर्स्ट और थर्ड पोजिशन लाइक फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे हम लोगों को इंडियन सी देखने को मिले

इस पूरे वीक में वी जनरली हाईलाइट द इम्पोर्टेंस प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्दी वी ऑल नो दिस प्रॉपर न्यूट्रिशन एक होता होता है है पेट भर खाना और, और एक संतुलित आहार लेना लाइक like डाइट और पेट भर खाने में बहुत फर्क है बैलेंस डाइट में आपके पास सभी न्यूट्रिएंट्स की एक सेट क्वांटिटी होती है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब मेरे हिसाब से आपको पता होगा चार चीजें यहाँ पर हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनस और वाइटामिन इसकी एक प्रॉपर सेट क्वांटिटी आप लोगों के खाने में होनी चाहिए तो इस पूरे के पूरे न्यूट्रिशन वीक में हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि कितना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थी लाइफ लिए और आजकल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिजीज हम लोग अर्बन एरियाज में देखने को हमें काफी मिल रही है जैसे डायबिटीज कोई एज सच बीमारी नहीं है इट इज अ डिजीज ऑफ योर लाइफ आप उसके बाद बीपी ब्लड प्रेशर ऑल ऑफ दीज डिजीजेस कैन बी क्योर इज इंटेड तो यहाँ पर अगर मैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक की बात करता हूँ यार तो मार्च 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा आजकल अमेरिकन कल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड के नाम से जाना जाता और पुरा पुरा है और ये पूरा की पूरा जो एकेडमी है इट प्रमोट न्यूट्रिशन एजुकेशन और सारे प्रोफेशनल डाइटिशियंस अच्छे वाले मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ तो अच्छे वाले प्रोफेशनल डायटिशियंस यही से पढ़ के निकलते हैं और बहुत ही जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ा खास करके यूनाइटेड स्टेट्स में नाइनटीन में देखा जाता है कि न्यूट्रिशन का जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों के बीच में वो बढ़ा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट टू टेक द प्रॉपर न्यूट्रिशन अब मैं इंडिया की बात कर लेता हूं यार इंडिया में ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है ये 1982 से ही मनाया जा रहा है ठीक है बहुत पहली की बात नहीं है 1982 से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाइनटीन में जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इस समय है वो मैडम इंदिरा गांधी है ठीक है और इस वीक को सेलिब्रेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट जस्ट सिटीजन को एजुकेट करने के लिए उनको बताने के लिए कि एंड हाउ योर न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट मैं लॉ कमीशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं यार लॉ कमीशन देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन uh, में बेटा दो तरह की बॉडीज होती हैं एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं इंडिया में जिनको जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है जैसे आपके पास बेटा आर्टिकल थ्री है आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपके पास आर्टिकल आर्टिकल 280 280 है है इफ आई एम नॉट बात करता कमीशन के बारे में तो ये सारी बॉडीज जो मैंने अभी आपको बताई है ना ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है बट कुछ ऐसी बॉडीज भी होती है जिनकी जरूरत टाइम के साथ पड़ती है बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है उनके बारे में तो हम क्या करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलग से लॉ बनाती है एंड वी क्रिएट सच बॉडीज तो अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ के जरिए कोई बॉडी क्रिएट कर रही है तो सच बॉडीज आर कॉल्ड स्ट्रेटरी बॉडीज स्ट्रेटरी बॉडीज आर द बॉडीज क्रिएटेड बाय लॉ जैसे आपके पास एनजीटी एक बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है ऑल दीज बॉडीज आर जैसे कि नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डिवेलपमेंट एंड सॉरी नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट नबार्ड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिचरी बॉडी है इन इन सभी बॉडीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर कोई बात नहीं करता बेटा मगर कुछ बॉडीज होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती है जिनको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहा है और ना ही आपके पास कोई लॉ है ना पार्लियामेंट ने कोई लॉ अलग से इनेक्ट किया वैसी ही एक बॉडी है लॉ कमीशन लॉ कमीशन को क्यों बनाया जाता है देखो यार आ, भगवान तो हम लोग हैं नहीं हमको नहीं पता कि किस तरह के लॉस की जरूरत आपको पड़ेगी तो लॉ कमीशन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस को एडवाइस करती रहती है एडवाइस रिलेटेड टू वॉट एडवाइस रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग लॉस कि सर ये कुछ लॉज हैं जिनको चेंज किया जाना चाहिए या कुछ और लॉज हैं जिनको इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उनकी सक्सेस जो अराउंड द वर्ल्ड आपको देखने को मिल रही है तो लॉ कमीशन के बारे में मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया कि ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टेट्यूचरी बॉडी है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जेक्यूटिव ऑर्डर के हेल्प uh, से स्टेब्लिश किया है तो मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो लॉ कमीशन के अलावा क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में और कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज काम करती हैं एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ शायद याद भी आ रहा होगा नीति आयोग भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बेटा नीति आयोग के बारे में भी ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है ना पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और नीति आयोग से पहले बेटे प्लानिंग कमीशन जो है ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही थी इसके बारे में भी हम लोगों ने कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा और ना ही कहीं पर लॉ में इसके बारे में लिखा हुआ है तो आइए यहां पर बात करते हैं कौन सी लॉ कमीशन है और पहली बार लॉ कमीशन कब स्टेब्लिश की गई थी देखिए पहली बार लॉ कमीशन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले इनकी चेयरमैनशिप में 1834 में लॉ कमीशन को पहली बार बनाया गया था और इसी फर्स्ट लॉ कमीशन ने आईपीसी और सीआरपीसी के ऊपर कुछ एडवाइस करा था सबको पता है इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब आपके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है तो यहाँ पर बात करते हैं लॉ कमीशन को कितने सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है या लॉ कमीशन जनरली तीन साल के लिए अपॉइंट होती है तो लॉ कमीशन का साल होता है और इस बार जो लॉ कमीशन यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है वो ट्वेंटी थर्ड लॉ कमीशन है जो फर्स्ट ऑफ सितंबर को अपॉइंट हुई और ये ऑफ तक चलेगी और जैसे कि मैंने बोला कि ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हेडिंग फॉरवर्ड दोबारा से हम लोग एक बार पेरिस पैरोल्पिक्स की बात कर लेते हैं ये मैम जो आपको देखने को मिल रही है इनका नाम प्रीति पाल है बेटा और ये पहली इंडियन फीमेल ट्रैक और फील्ड एथलीट है जिन्होंने दो ही मेडल जीते दो मेडल At the Paralympics. इन्होंने 200 मीटर रेस में इनकी कैटेगरी ऑफ डिसाइव है तो टी थर्टी अगर आप सर्च करेंगे तो टी थर्टी को कैटेगरी ऑफ डिबिलिटी है दो सौ मीटर रेस में टी थर्टी फाइव कैटेगरी में पैरिस पैराल रिमार्केबल फीट कायम करी है प्रीति पाल ने एंड शी इज द ओनली इंडियन लाइक द सेकेंड इंडियन टू विन टू मेडल्स दो मतलब तो हजारीति तो पाल है और ये पहली एथलीट है मैं आपको वैसे ही बता दू क्योंकि अवनी लखेरा तो शूटर है वैसे ये सेकेंड इंडियन है बट पहली एथलीट है जिन्होंने एक एथलीट होने के साथ साथ दो सौ मीटर रेस में एक साथ एक ही इवेंट में दो मेडल जीते हालांकि दोनों ही मेडल यहाँ पर ब्रॉन्ज रहे बट इंपॉर्टेंट uh, है ये इनका नाम याद रखना तो शी हैज यू नो गॉट द रिमार्केबल फीट बाय स्कोरिंग टू मेडल्स एट द सिंगल पैरा ओलंपिक इवेंट पैरा ओलंपिक इवेंट नाउ आपने कई बार ना इंस्टाग्राम पे एक बहुत ट्रेंड चल रहा था अनंत uh, अंबानी के वन तारा के लिए इफ यू ऑल रिमेंबर बहुत पुरानी बात नहीं है वन तारा से रिलेटेड काफी न्यूज थी कि वन तारा ने अभी नामीबिया की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है और अगर आप नामीबिया से थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं बेटा प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे पर ना इस बार के बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे पर नामीबिया से ही हम लोगों ने चीता मंगवाया था और इन सभी चीतास को हम लोगों ने एम के कूनो नेशनल पार्क में रखा था मैं आपकी थोड़ी सी यादें ताजा कर दू तो एमपी के कूनो नेशनल पार्क में हम लोगों ने ये चीते रखे थे हालांकि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा आ, इंडिया में चीतों का बट फिर भी अब मैं दोबारा नामीबिया की बात करता हूं लाइक uh, सौ like साल में सबसे ट्रेजिक सबसे मेजेस्टिक अगर हम बात करते हैं नामीबिया एक ड्रॉट झेल रहा है ड्रॉट एक कंडीशन होती है जब सूखा पड़ जाता है रेनफॉल आती नहीं है और जो एग्जिस्टिंग रिवर्स है वो भी सूख जाती है तो यहाँ पर अब क्या है कि नामीबिया की भाई अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अच्छा खासा पॉपुलेशन होल्ड है इनके पास और अगर अगर ड्रॉट आएगा तो जाइट सी बात है एग्रीकल्चर बिल्कुल फेल मार जाएगा आपका और एग्रीकल्चर नहीं है तो लोगों को खिलाओगे कैसे और अगर लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे होंगे कंट्री में एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन डिवेलप हो सकती है तो नामीबिया ने क्या किया नाबिया नामी ना, नामीबिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्लान दिया और बोला कि भाई हम कुछ मेजेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स को मारने वाले हैं और उनका जो मीट है वो हम अपनी एक मिलियन मतलब मतलब में दस लाख होते हैं तो 1.4 का मतलब तकरीबन चौदह लाख है ना जी तो चौदह लाख का आधा कर लीजिए तो सात लाख लोगों को सेवन लाख जो नामीबिया के सिटीजन हैं उनको ये खाना खिलाएंगे या उनको ये आ, मीट बांटेंगे क्योंकि तो ड्रॉट के वक्त खाने के लिए एस तो कुछ है नहीं और जैसे कि मैंने बोला बहुत ही वर्स्ट ड्रॉट से इस समय ये कंट्री निकल रही है इन अ सेंचुरी अब इस कंट्री ने ऑर्डर क्या दिया इस कंट्री ने और इस कंट्री की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ओवर सेवन हंड्रेड जो मेजेस्टिक एनिमल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर मारने वाले हैं जिसमें थर्टी हिपोपोटेमस है सिक्सटी बफेलोज है फिफ्टी इम्पालाज हंड्रेड ब्लू वाइल्ड बीस्ट थ्री हंड्रेड जेबराज एटी थ्री एलिफेंट्स और हंड्रेड इलाइंट्स हैं ये न्यूज जैसे ही इंडिया पहुंचती है तो वंतारा फाउंडेशन यहां पर एक लेटर लिखती है तो बेटा आप सीयूटी के परस्पेक्टिव से देख लें तो नामीबिया का नाम आया है तो हो सकता है वो इस करेंसी भी पूछ ले क्योंकि पिछली बार आया था जहां पर कंट्रीज और करेंसी को मैच करना था तो नामीबिया की करेंसी है नामिबियन डॉलर कैपिटल है इनके सारा को एंड ऑफिशियल लैंग्वेज नामीबिया की इंग्लिश है बेटा इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ नेक्स्ट करंट यहाँ पर बेटा एक एक्सरसाइज है और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइज तीन तरह की होती है या तो एयर फोर्स की एक्सरसाइज होगी तो आप उसको एयर एक्सरसाइज कह सकते हैं अगर आपकी कंट्री की आर्मी की एक्सरसाइज है तो वो बस मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और अगर आपकी कंट्री की नेवीज पार्टिसिपेट कर रही है तो वो नेवल एक्सरसाइज हो जाती है या मेरी एक्सरसाइज हो जाती है तो इंडिया और स्पेन की आर्मी के बीच में एमपीएक्स नाम से एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई इस मतलब इसलिए आपको तो अपनी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करके रखनी है ना तो ऐसे में आप क्या करते हैं अपनी टक्कर की कंट्रीज के साथ या कभी के बार अपने आपसे जो कम कैलिबर वाली कंट्रीज है उनके साथ आप एक्सरसाइज करते रहते हैं ताकि आपकी आर्मी को ट्रेनिंग मिलती रहे आपकी नेवी को ट्रेनिंग मिलती रहे आपकी एयरफोर्स को ट्रेनिंग मिलती रहे ताकि जब भी थ्रेट आए क्योंकि थ्रेट कभी बताकर तो तो आता नहीं है बट आपकी 100 होनी चाहिए राइट तो इंडिया और स्पेन की नेवी के बीच में ये मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइज इस बार हुई है नाम है इसका एमपीएक्स तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ से कोई शिप तो गया होगा इंडिया की तरफ से जो शिप गया है वो आई एन एस है आई का मतलब इंडियन नेवल शिप है और स्पेन की तरफ से आया था एस सॉरी एस एन एस अटालिया एस एन एस का मतलब हो गया स्पेनिश नेवीशिप अटालिया शिप अटालिया उसने पार्टिसिपेट किया इस एमपीएक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज में और हम लोगों के बीच में बायोलिट्रियल रिलेशन काफी अच्छे हैं उसमें से एक नमूना आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बेटा क्योंकि स्पेन की बात हुई है तो यहाँ पर कैपिटल स्पेन की मैड्रिड है करेंसी यहाँ पर यूरो है क्योंकि स्पेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है

हाँ जी तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसको हम लोग एक मिनट दीजिएगा बेटा जी तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिसको हम लोग एयर चीफ बोल देते हैं तो अभी यहां पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात नहीं हो रही है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिप्यूटी चीफ की ठीक है तो डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इसके आ, मतलब इस रूप में आपके पास इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह तो ये भारत इंडियन फोर्स के इंडियन एयरफोर्स डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए हैं कहा बैठेंगे इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर दिल्ली में है न्यू दिल्ली में और हेडक्वार्टर का नाम है वायु भवन ठीक है जी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह के बारे में बता दूं बेटा ये एलोमना हैं एलुमिनस है नेशनल डिफेंस अकेडमी के और 13 जून 1987 को इनको कमीशन किया गया था इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में कैटेगरी ए के क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं सर 4500 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है 4500 से ज्यादा घंटे का सर को फ्लाइंग एक्सपीरियंस है ये हैं एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह इसके बाद चलते हैं आगे बेटा ये एमपी की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है एक एक बहुत ही प्रोजेक्ट सोलर विलेज विलेज स्कीम ये महाराष्ट्र के के हर बारे में नहीं है क्योंकि फेज वन है इस स्कीम का तो इसलिए इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में तो हम लोग महाराष्ट्र की बस हंड्रेड विलेजेस के ऊपर ही अपना फोकस बना के चल रहे हैं स्कीम में होना मतलब होने क्या वाला है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने यह बोला कि स्कीम के अंडर हम लोग क्या करने वाले हैं कि विलेज पूरी तरीके से हंड्रेड परसेंट सोलर पावर्ड हो जाए या पूरी मतलब पूरी विलेज हंड्रेड परसेंट सोलर इलेक्ट्रीफाइड हो जाए मतलब कोई भी थर्मल एनर्जी की हम लोगों को जरूरत पड़े ही ना हंड्रेड परसेंट सोलर पावर से काम हो जाए ऐसे में कार्बन इमीशन आप समझ रहे बहुत कम हो जाएगा कार्बन इमिशन बहुत कम हो जाएगा तो विलेज इको फ्रेंडली हो जाएगी तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लोगों को डेमो दिखाने के लिए आ, सतारा डिस्ट्रिक्ट एमपी के सॉरी महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है मान्य छिवाड़ी मान्य छिवाड़ी को लोगों को बताया कि देखिए ये हमारे स्टेट की पहली विलेज है जो हंड्रेड परसेंट सोलर पावर से चल रही है भाई सोलर पावर के दो फायदे हैं एक तो पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो जाता है और दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाती है अब आप बोलेंगे सर नहीं अब हमने तो पूछा था बहुत ज्यादा महंगा आता है अगर मैं तीन किलोवोट का कनेक्शन भी लगाने जाऊं तो तकरीबन सर यहाँ पर तीन लाख का खर्चा तो आ ही जाता है आ, या ढाई लाख का खर्चा तो आ ही जाता है कहा जाऊं इतना पैसा लेकर और विलेज में तो इतना पैसा लोगों के पास है नहीं तो बेटा डरने की बात नहीं है इसी साल प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी है आपको बता दू प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आप लोगों को तीन किलो के कनेक्शन तक के लिए तीन लाख का लोन दिया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जब भी बैंक लोन देता है ना तो आप लोगों से कुछ तो गिरवी रखवाता है मतलब कुछ तो कोलेटरल आपको देना पड़ता है का मतलब अगर आप भाग गए तो तो वो लोन कहा से वसूलेगा यहाँ पर अच्छी बात क्या है है बेटे कि लाख का का लोन मिल रहा बट इट इज फ्री किसी तरीके का कोई कोलेटरल आपको रखवाने की जरूरत नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ा राहत है ये कि पूरी तरीके से कोलेटरल फ्री है और ऐसे में फार्मर्स हमारे पास इंडिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाएंगे तो है भाई मजेदार चीज है तो ये सोलर विलेज स्कीम है महाराष्ट्र इसके बाद की फिर बात करते हैं आपके पास जो ये इंडिया के प्राइड खड़े हैं नाम है इनका नितेश कुमार इन्होंने गोल्ड जीत लिया यार याद एस एल थ्री कैटेगरी से आते हैं एस एल थ्री कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी से आते हैं और बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया के पैरा बैडमिंटन प्लेयर गोल्ड जीत लिया है मैन सिंगल्स में सोचिए ये इंडिया का पहला मेडन गोल्ड है इंडिया का मेडन गोल्ड है ये पैरालंपिक्स के बैडमिंटन में यहाँ पर एस एल थ्री का मतलब क्या होता है एक ऐसा एथलीट कोई भी ऐसा एथलीट जिसकी लोअर लिम में इंपेयरमेंट देखने को मिलती है जिसको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है जो ढंग से चल और भाग नहीं सकता ऐसी कैटेगरी ऑफ एस एल थ्री आप बोलते हैं तो ये इंडियन प्राइड नितेश कुमार विद गोल्ड इन इज हैंड आपके सामने खड़े हैं इसके बाद बेटा स्काई स्केपर्स डे की बात कर लेता हूँ थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर को हम लोग स्काई स्केपर्स डे बनाते हैं स्काई स्केपर्स का मतलब होता है वो हाई राइज बिल्डिंग्स आपने इंस्टाग्राम पे कई सारी वीडियो देखी होंगी लोग बिल्डिंग्स के ऊपर कूद कूद के जाते हैं देखिए फॉलो फॉलोवर्स बनाने की चाहत में पता नहीं क्या कर लेते हैं आप लोग बट प्लीज मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आप ऐसा करें बहुत ही खतरनाक चीज है स्काई डे मनाया जाता है थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर को जो एक्चुअली में स्काई स्केपर्स के फादर का बर्थडे है वो बर्थ एनिवर्सरी है लुइज एच सुलिवान के जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्केपर्स कहा जाता है और दुनिया में पहला स्काई स्केपर बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ था अमेरिका के शिकागो में Which was completed in 1885, my dear. और ये पहला दुनिया का स्काई स्केपर था जो कि एक शिकागो में इसके बाद बेटा जो आपको दिख रहा है ना स्लाइड पर इसको जियो गैलिप्स कहते हैं जियो गलिप क्या होता है देखो यार आज का जो ह्यूमन है ना मान के चलो अगर चार घंटे पहले ही फर्स्ट ह्यूमन इस अर्थ पर आया था फोर घंटे मतलब फोर आवर्स बिफोर तो चार घंटे में से तीन घंटे तो यार हम लोगों ने स्टोरेज में निकाल दी स्टोन एज मतलब ये वो है जिस एज में हम लोगों का जो सबसे अच्छा फ्रेंड था वो स्टोन टूल था और उसी स्टोन टूल की मदद से हमने ना तो केवल हंटिंग करी बट जो खाने की चीज मिली उसको इकट्ठा भी कर लिया विच इज कॉल्ड गैदरिंग तो अब इस पूरी स्टोन एज को ना तीन एजेस में बांटा जाता है जिसमें सबसे पहली एज है पेलियोलिथिक एज जिसको आप ओल्ड स्टोन एज कहते हैं सेकेंड एज है मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज और थर्ड है न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज यहाँ पर अब देखने वाली बात क्या है कि तीन आ, मैं यहाँ पर स्टोनेज आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें पीरियड में जो आज से दस से बीस हजार साल पहले एक्सपेक्ट किया जाता है कि आज से तकरीबन दस से बीस हजार पहले बीस हजार साल पहले मैसोलिथिक एज में रहने वाले ह्यूम ने कुछ ड्रॉइंग्स बनाई थी और अगर ये ड्रॉइंग जमीन पर बनी है तो इसको जियोगेलिफ कहते हैं और अगर ये ड्रॉइंग्स इन्होंने किसी रॉक के ऊपर एनग्रेव करी है तो आप इसको पेट्रोगलिप कहते हैं ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है और इससे पहले ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं हुआ करता था बेटा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नाथ शिंदे ने एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया और जियो जियोगेलिफ्स और पेट्रो गिफ्स को अब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिलती है इनको डिक्लेयर कर दिया गया है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है कौन से लॉ को यूज किया यहाँ पर लॉ है महाराष्ट्र एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी तो एक भले ही आपको याद ना हो कोई नहीं बट आपको पेट्रोगैलिप और जियोगेलिप्स क्या होते हैं जनरली ये, ये एनिमल्स को फुटप्रिंट्स और जैसे कि मैंने आपको बोला ये मेसोलिथिक एज में डिजाइन बनाए गए थे जो आज से तकरीबन टेन से ट्वेंटी थाउजेंड पहले की बात है तो जियो की बात करें केवल महाराष्ट्र में नहीं जियो मतलब गया है कोस्ट के कोस्ट, और की कोस्ट को बोलते हैं हम लोग रत्नागिरी में ऐसे से uh, 1500 से ज्यादा आर्ट वर्क है आई सेड मोर देन 1500 हंड्रेड आर्ट वर्क जो कि 70 से ज्यादा साइट्स में फैले हुए हैं और इन 70 साइट्स में से तो सेवन साइट्स ऑफ जियो को यूनेस्को ने अपने

तो इनके साथ मिलकर आपने इस किट को बनाया तो बेटा डिवेलपर्स का जरूर यहाँ पे नाम याद कर लेना एक बार और एरबा एमडीएक्स किट का नाम है ठीक है जी ये इंडिया की पहली होम ग्रोन आरटीपीसीआर किट है फॉर मॉन्की पॉक्स डिटेक्शन एमपॉक्स डिटेक्शन ये भी बताता हूं एमपॉक्स होता क्या है इस बार ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को ये बोला कि बेटा ये एमपॉक्स जो बीमारी है ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है

औ ऑर्थोपॉक्स वायरस की वजह से होती है सिम्टम्स आपको बता दूं फीवर आते हैं और आपकी बॉडी पे लिंप नोड्स बनते हैं मतलब छोटे चो, छोटे पिंपल्स बनते हैं और बाद में वो पिंपल्स एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं मतलब बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं तो एनलार्ज लिंप नोड्स आपकी पूरी बॉडी पर कुछ रैश डिवेलप हो जाएंगे विच इज एक्चुअली वेरी पेनफुल मतलब मजा नहीं आएगा खालिश करके बहुत पेनफुल रैशेज होते हैं जो धीरे धीरे ब्लिस्टर्स और क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब बहुत ही पेनफुल डेथ होती है मतलब मैं आपको सही बताऊं अगर बहुत ही आपको सीवियर एमपॉक्स हुआ है तो तो डब्ल्यूएचओ ने खास की ये बोला है कि बहुत ही फेटल हो सकता है पर्टिकुलरली उन लोगों में उन बच्चों में उन इंडिविजुअल्स में जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है डब्ल्यूएचओ बेटा सेवेंथ ऑफ अप्रैल 1948 में बना था जेनेबा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और मिस्टर टेडरॉस अधनोम इस समय डब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल है पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं सॉरी पेरिस पैरोल्पिक्स की बात करते हैं बेटा आपके पास मिस्टर शरद कुमार ये शरद कुमार है और ये मरियपन थांगवेलू है दोबारा ऐसा होने को मिला कि एक इवेंट में दोबारा दो इंडियंस एक साथ दिखे शरद कुमार और मरियपन थांगवेलू दे सिक्योर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली मतलब शरद कुमार ने जीता है सिल्वर और मरियपन ने जीता है ब्रॉन्ज वो बात अलग है कि गोल्ड अमेरिका की थाली में गया बट हम खुश है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन इंडियंस के पास है इतना ही नहीं अजीत कुमार और सुंदर सु, सिंह गुज्जर अजीत कुमार और सुंदर सिंह गुज्जर ने भी पर थ्रो में आ, इनका कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है एफ का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये टी सिक्सटी थ्री कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के थे शरद कुमार और मरियपन यहाँ पर उसका टी सिक्सटी थ्री भी डेफिनेशन आपके सामने है तो अजीत कुमार और सुंदर सिंह गुज्जर इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है रिस्पेक्टिवली और दीप्ति जीवान जी बेटा इन्होंने टी ट्वेंटी कैटेगरी में 400 मीटर रेस में इंडिया को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दू टी ट्वेंटी कैटेगरी होती क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कोई डिसेबिलिटी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी नहीं है ये इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है

इसके बाद हम बात करते हैं खास करके इस भाई साहब की नाम है इनका हरविंदर अच्छा सॉरी हाँ इनका नाम हरविंदर सिंह है देखिए पेरिस पैरालंपिक्स में अगर मैं हरविंदर सिंह की बात करता हूँ इन्होंने गोल्ड मेडल हर, ये अर, हर, इमेज गलत लगा दी शायद गलती से हम लोगों ने सरदार जी है हरविंदर सिंह आई थिंक नेक्स्ट इमेज तो नहीं है कोई नहीं बेटा हरविंदर सिंह की इमेज ये है नहीं हरविंदर सिंह के बारे में मैं आपको एक बहुत ही गजब का फैक्ट बताता हूँ कहा यह जाता है कि इनके कोच जो है वो यूक्रेनियन थे तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आ नहीं पाए और हरविंदर सिंह ने अपनी सारी प्रैक्टिस जो है वो अपनी फील्ड में करी मतलब जो इनके खेत थे गांव में उसी में इन्होंने फील्ड में प्रैक्टिस करी और इंडिया ने आज तक कभी आर्चरी में मेडल नहीं जीता है मतलब गोल्ड तो बिल्कुल ही नहीं आ, मैं पेरिस ओलंपिक्स की भी बात कर लूं या मैं पैरालंपिक्स की भी बात कर लूं ओलंपिक्स की बात कर की करें या पैरालंपिक्स की बात करें हमने कभी गोल्ड नहीं जीता हरविंदर सिंह ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड मेडल आर्चरी इवेंट

भारतीय न्याय संहिता बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बी इन कुछ एक्ट्स में हम लोग चेंज करना चाहते हैं और आपको बता दूं बेटा ये तीनों एक्ट्स ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्टेड हैं ये तीनों एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट करे हैं और हमारे इंडिया में यार एक लॉ है ना कि अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ बना रही है तो ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उसको एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे अमेंड कर सकती है वो तो पार्लियामेंट ही अमेंड करेगा बट थोड़ा दीदी फ्यूरियस है फास्ट एंड फ्यूरियस तो वेस्ट बंगाल की दीदी ममता बनर्जी इन्होंने अनानिमसली पास कर दिया अपराजिता बिल अपराजिता बिल क्या है विमेन एंड चाइल्ड बिल है जो Uh, हमारे इंडिया के इन तीनों लॉस को अमेंड करता है और आपको बता दू वेस्ट बंगाल इसके साथ बन गया इंडिया का पहला स्टेट जिसने सेंट्रल लॉस को खासकर की रेप गैंग रेप और सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन से संबंधित सेंट्रल लॉस को अमेंड किया अपराजिता ये नेम दिया गया है उन 31 ईयर ओल्ड त्रिनी डॉक्टर को जिसको बड़ी बेरहमी से रेप करके उनको मार दिया गया आरजी अब मेडिकल सेंटर की बात हो रही है यहाँ ठीक है जी तो अपराजिता जो उनको नाम दिया गया उन्हीं के नाम पर यह एंटी रेप बिल वेस्ट बंगाल ने आखिरकार पास कर दिया हालांकि इस बिल के के मैं आ, आप लोगों के लिए वो नहीं लेके आया हूं, कि अरेंजमेंट्स क्या है इस बिल ने क्या किया वो सब चीजें जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए बट ये समझ लीजिए बिल का नाम क्या है बेटा जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है जैसे हम लोगों की स्पेस एजेंसी इसरो है जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की और इन्होंने जनवरी में एज फारिमे दो हजार चौबीस जनवरी में इन्होंने अपना लूनर मिशन चांद के ऊपर उतारा था लूनर मिशन मतलब दो हजार चौबीस में पहला देश जिसने चांद की सता को छुआ मीन्स टू टच द सर्फेस ऑफ मून इज जपैन और जपान ऐसे करने वाला दुनिया का पांचवा देश है लाइक फर्स्ट इज अमेरिका सेकेंड इज रशिया थर्ड इज चाइना फोर्थ हम आते हैं अब और फिफ्थ में आता है अब जापान तो जापान ने ये कब किया और पहली बात तो हमारा वाला मिशन तो चंद्रयान थ्री था इनके मिशन का नाम क्या है बेटा इनके मिशन का नाम है स्लिम स्लिम स्टैंड फॉर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जिसको आप मून स्नाइपर का नाम भी देते हैं ठीक है जी बट अगर थोड़ा बहुत आप लोग न्यूज पढ़ते हैं ना तो उस टाइम ये बताया जा रहा था कि ये पहुंच तो गया बट इसके सोलर पैनल नहीं खुल रहे थे तो सोलर पैनल खुलेंगे नहीं तो बैटरी चार्ज नहीं होंगी तो सब बहुत उदास थे जापान में कि हम लोग तो पहुंचकर भी एक मतलब पहुंच नहीं पाए पहुंच कर भी ऐसा लग रहा है कि पहुंच ही नहीं पाए हालांकि अच्छी खबर आई साइंटिस्ट ने बड़ा दिमाग लगाया एट लास्ट पर इनके सोलर पैनल्स खुले और ये काफी महीनों तक चला तो अब तकरीबन आठ महीनों के बाद जापान का अपने मिशन के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया है तो स्लिम मिशन अब नहीं है स्लिम मिशन अब खत्म हो गया है जापान ने अनाउंस करा है और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना जैसे हमारा चंद्रयान थ्री है जापान का स्लिम मिशन क्यों गया था लिए गया था ये सब चीजें यहाँ पर लिखी है स्लिम मिशन का काम था मून के मेंटल लेयर को एग्जामिन करना जैसे कि हम लोग पढ़ते आए ना जोग्राफी में अर्थ के अंदर भी तीन लेयर्स हैं पहली लेयर है कोर उसके बाद मेंटल फिर क्रस्ट आती है तो ये मून के मेंटल जो परत है उसको स्टडी करने गया था जनरली ठीक है तो क्रेटर के पास एक गड्ढे के पास इसको लैंड करवाना था ताकि मेंटल लेयर आसानी से एक्सेसिबल हो जाए इसके बाद चलते हैं बेटा सितंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स टीचर्स डे डे और सेलिब्रेट किया जाता है सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना तो केवल भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे लाइक like, पहले वाइस प्रेसिडेंट मगर ये इंडिया के दूसरे प्रेजिडेंट भी बने इनका जन्म फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर एटीन में हुआ था तमिलनाडु जो समय मद्रास कहलाता था उसका एक विलेज है तिरुतानी तो विलेज में इनका जन्म हुआ एक तेलुगु ब्राह्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इंडिया के जैसे कि मैंने बोला सेकंड प्रेसिडेंट और पहले वाइस प्रेसिडेंट है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी इफ माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज टीचर्स डे तो फिर क्या था हमने मान ली बात फिफ्थ ऑफ सेबर इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है बट बेटा फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर के दिन इंटरनेशनली आप लोग एक दिन सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा वैसे तो देखिए इंडियन नहीं थी बट हाँ नाइनटीन में जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ तो इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी इसलिए मदर टेरिसा के बारे में आप लिखते भी हैं कि ये पहली इंडियन है जिनको पीस में प्राइज मिला था 1979. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर याद कर ठीक है. अब मैं बात करता हूँ बैडमिंटन में भी हम लोग मेडल ले आए तो पैरा बैडमिंटन स्टार है सुहास यथीराज इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस सिंगल कैटेगरी में और इनका जो डिसेबिलिटी का जो कैटेगरी है इस, फोर. जी तो मैच बड़ा ही जबरदस्त हुआ इन्होंने आ, अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था काफी देर तक लड़े बट फिर भी चलिए सिल्वर मेडल से अपने आपको सेटिस्फाई करना पड़ा बट ही वॉज एमिंग फॉर द गोल्ड अच्छी है कोई बात नहीं ही इज नॉट स्टॉपिंग हेयर ओनली काफी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए अगर आपको याद आ रहा हो तो ओलंपिक्स में भी आ, हमारे एक प्लेयर थे यंग प्लेयर थे जिनके लिए कहा जा रहा था उनकी 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 चर्चा प्रकाश पादुकोण से की जा रही थी फादर ऑफरी पादुकोन बैडमिंटन कैटेगरी तो काफी सालों से हम लोगों ने बैडमिंटन कैटेगरी में कोई मेडल नहीं जीता तो फिलहाल इनके सिल्वर मेडल ने सारी चीजें एकदम से इंडिया में सेलिब्रेशन का माहौल हो गया अब मैं आगे चलता हूँ यार नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर हम लोगों ने विषाणु युद्ध अभ्यास

और विषाणु युद्ध अभ्यास क्यों किया गया था केवल आप लोगों की जांचने के लिए. कि अगर कि है, तो हाउ मच किस तरीके से अपने बचाएंगे उस कैसे आप लोगों को बचाएंगे आपका क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए उसके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब मैं बेटा आगे बात करता हूँ हिंदू और द हिंदू डॉट कॉम को अभी बहुत ही

आर्टिकल था टॉकिंग थेरेपी आशा वर्कर्स ऑफर होप इन रूरल मध्य प्रदेश इस आर्टिकल की वजह से हिंदू को चुना गया है इस जेंडर सेंसिटिविटी अवार्ड मैं ये भी बता दूं रिटर्न बाय सीनियर असिस्टेंट एडिटर मैत्री तो वही अवार्ड लेने के लिए यहां पर गए इसके बाद आगे बात करते हैं आप जो देख पा रहे हैं इनका नाम है प्रोफेसर बंतवाल तो सॉरी हां जी इनका नाम है प्रोफेसर बंतवाल जयंत बालिगा इनको भी हाल फिलहाल में

तो इन्होंने एक ट्रांजिस्टर बनाया बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसकी वजह से इनको मिलीनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए चुना गया ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड इस पूरे हफ्ते दिया गया इस पूरे हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट करंट ये हो सकता है डॉक्टर दसारी राधिका को डॉक्टर दसारी राधिका की बात करते हैं तो मैडम डिप्यूटी जनरल मैनेजर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में और जैसे कि आप नाम भी पढ़ पा रहे हैं इस्पात का मतलब यहाँ पर स्टील होता है तो इंडियन स्टील एसोसिएशन में मैडम राधिका जी ने यहाँ पर एक क्योंकि स्टील सेक्टर इंडिया में काफी मेल डोमिनेटेड सेक्टर रहा है तो राधिका जी इज रिकोगनाइज फॉर हर एग्जेपलरी लीडरशिप इन द स्टील इंडस्ट्री जो कि एक ट्रेडिशनली बहुत ही मेल डोमिनेटेड सेक्टर रहा है इसलिए इंडियन स्टील एसोसिएशन की एचआर तेसारी राधिका इस अवार्ड से अच्छी कंटेंडेंट तो हो ही नहीं सकती थी इसलिए इनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दसारी राधिका की मैं बात कर रहा हूं जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड देन वी हैव सीनियर ऑफिसर एक आई की लाइफ में ना सबसे ऊंची पोस्ट होती है ये कैबिनेट सेक्रेटरी जब आपको असिस्ट करने का मौका मिले देश के पीएम को या किसी भी देश के मंत्री का अगर आप आ, एक असिस्टेंट मतलब अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं किसी आई ऑफिसर के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता लाइक वो इसी दिन के लिए यूपीएससी क्लियर करता है राजीव गौबा जी तो अगर मैं सोमनाथन के बारे में बताऊं जी तो 1987 के तमिलनाडु काडर के आई ऑफिसर हैं इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पे पीएचडी भी कर रखा है इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं तो यहाँ पर आप इनका करियर देख सकते हैं फिलहाल अभी इंडिया के ये कैबिनेट सेक्रेटरी है टी वी सोमनाथन इसके बाद आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक होता जा रहा भाई आजकल ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए दुनिया में ये ह्यूमन राइट्स को आप लोगों के राइट्स को आप लोगों की कंट्री की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये चैलेंज ना करे उसके लिए यूएस ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी है इज लीगली लीगली बाइंडिंग बाइंडिंग बेटा है आप लोगों के ऊपर ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी इनोवेशन करनी है करो यार हम रोक नहीं रहे हैं बट डू रिमेम्बर ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी को साथ में रखकर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिवेलप करना कल को ऐसा ना हो कि ए ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे आइडियल्स को ही खत्म करने लग जाए तो ये जो एग्रीमेंट इन तीनों के बीच में हुआ है इट इज सपोर्टेड बाई मोर देन फिफ्टी कंट्रीज और इलॉन और मस्त तो कह ही रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे दुनिया वैसे पागल है बट मेरे को लगता है कि फ्यूचर तो है बट फ्यूचर के साथ साथ बहुत खतरनाक चीज भी है ये तो सिग्नेटरीज कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एग्रीमेंट के ऊपर ए ट्रीटी के यूनाइटेड स्टेट्स पूरा यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम इजराइल जॉर्जिया नॉर्वे आइसलैंड मालदोवा बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर सिग्नेटरी है इसके बाद आगे बात करते हैं यार फ्रेंच फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ने इस भाई साहब को नाम है इनका माइकल बर्नियर इनको बना दिया है फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर हालांकि बेटा फ्रांस में पीएम इंपॉर्टेंट नहीं होता फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है तो वहां के प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं इंडिया की तरह नहीं है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम चलता है तो हमारे पीएम इंपॉर्टेंट है तो माइकल बर्नियर ये यूरोपियन यूनियन के ब्रेक्सिट निगोशिएटर भी रह चुके हैं ब्रेक्सिट निगोशिएटर क्या है सर पहले ना बेटा ब्रिटेन ना जिसको आप यूके बोलते हो ना ग्रेट ब्रिटेन पहले ये कभी यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर होता था तो यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब इनका एक लॉ है है जो ये बोलता है कि अगर आप ईयू के मेंबर है तो आप एक दूसरे की कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हैं आपके बीच में बॉर्डर बाउंड्रीज खत्म हो जाती है आप एक दूसरे की कंट्री में ना तो जा सकते हैं काम भी कर सकते हैं जॉब भी ले सकते हैं तो ब्रिटेन को यह लग रहा था कि ब्रिटिश uh, लोगों के लिए जो बनी जॉब्स है वो तो अदर यूरोपियन कंपनीज या अदर यूरोपियन कंट्रीज छीन ले रही है उन लोगों से तो इसलिए ब्रिटेन ने फैसला कर लिया था कि मैं यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला हूं तो वो निगोशिएटर जिसने ये काम करवाने में इनकी हेल्प करी जिन्होंने ये निगोशिएट करवाया उनका नाम आपके सामने है माइकल बर्नियर और जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया ना इसी को ब्रेक्सिट कहा जाता है तो बर्नियर की जगह पहले कौन थे मतलब सॉरी बर्नियर ने किसकी जगह ली तो जुलाई सिक्सटीन ट्वेंटी में गैब्रियल ये रिटायर हो गए थे और इनकी जगह अब आपने माइकल बर्नियर को 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 पर पर अपॉइंट 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 किया किया सॉरी मिशेल मिशेल बर्नियर को किया। मिशेल बर्नियर माइकल नहीं माफ कीजिएगा आप लोगों ने किया मिशेल बर्नियर जिनकी उम्र 73 है पॉलिटिकल करियर इनको लाइक काफी अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर है पिछले 50 सालों का इससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूरोपियन अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनवायरमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं पचास सालों का अच्छा खासा करियर है आलिया भट्ट बेटा आपके सामने है आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गई है लॉरियल पैरिस की तो आलिया भट्ट अब ये इस ब्रांड की न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है अगर मैं आलिया भट्ट के बारे में आपको बताऊं, आलिया भट्ट से पहले बहुत सारे और भी इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जैसे कि वोला डेविस जैने एवा लोंगोरिया कैंडल जेनर एल फैनन कैमिला uh, कैबेलो uh, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी यू नो आलिया भट्ट की तरह लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर है तो जो आलिया uh, भट्ट है नाउ शी विल बी इन फ्रेंच ब्यूटीज ब्रांड कैंपेन्स विच इज स्टार्टिंग इन दिस मंथ लाइक सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लॉरियल पैरिस के बारे में आपको बताऊं बेटा तो नाइनटीन की एक कंपनी है हेडक्वार्टर इस कंपनी का फ्रांस में है और मिस्टर जियान पॉल एगोन इसके चेयरमैन ठीक है जी उसके बाद बात करते हैं इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन दिस इज इंडिया कॉम्बैट ड्रोन हमने खुद बनाया भाई सक्सेसफुली इसका टेस्ट हो चुका है स्पेसिफिकेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं पर हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है और भाई इस पूरे के पूरे ड्रोन ने इंडिया की जो अब डिफेंस कैपेसिटी है उसको बहुत ज्यादा यू नो बूस्ट कर दिया है इस ड्रोन का नाम डाला है बॉम्बर एफ डब्ल्यू डी

जब इसको यूज किया जाएगा सही में आर्मी और बाकी सब पर्पिस के लिए तो एफ डब्ल्यू डी टू हंड्रेड डी का जो ये नाम है ना ये हटाकर हम कुछ इसे इंडियन नेम दे देंगे जैसे इसको हम पुष्पक बोल सकते हैं बहुत सारे नाम और हो सकते हैं तो एफ डब्ल्यू डी ए को इनकॉर्पोरेट किया गया था दो हजार बाईस में और इसको किलर ड्रोन की कैटेगरी में डाला जाता है ये ड्रोन बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है तो ये बॉम्बर एफ डब्ल्यू डी दो सो बी ड्रोन है और इंडिया की भाई आत्मनिर्भर भारत के सपने को ये डिस्प्ले करता है इंडिया इज एक्चुअली बिकमिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी और काफी अच्छा लगता है देखकर। अगर मैं आपको बताऊं तो आ, FWDA, ये इंडिया की पहली इंडियन कंपनी है जिसको डीजीसीए ने यू नो लाइसेंस दिया था और इस कंपनी के एफ डब्ल्यू डी ए इस कंपनी के फाउंडर सुहास तेजस कांडा जी है जो नाउटू फाउंडर है फाउंडर के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है तो आप देखने वाली बात यह है कि अब ये कब आप लोग इंक्लूड करते हैं इसके बाद आगे चलते हैं जी इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा था ये कुछ इंडियंस हैं जो कि इस बार हाईएस्ट टैक्स टैक्स कौन कौन रहा तो 2024 में सबसे ज्यादा शाहरुख खान जी ने पे करा फॉर्चून इंडिया के अकॉर्डिंग नाइनटी टू का टैक्स पे किया है शाहरुख खान ने उसके बाद मिस्टर विजय आते हैं मेरे हिसाब से ये विजय नहीं है विराट कोहली तो नहीं है इनका मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूंगा सेकंड शायद विराट कोहली जी हैं इन्होंने 80 करोड़ का टैक्स पे किया है थर्ड सलमान खान है जिन्होंने 75 फाइव का टैक्स पे किया है, और उसके बाद कहीं जाकर आपके पास धोनी जी आता है। तो टॉप लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम आता है विराट कोहली का नाम आता है अच्छा वो विजय ही है वो विराट जी नहीं है विजय ने पे किया है एट्टी सी विराट पे करते हैं सिक्सटी सिक्स का यहाँ पर टैक्स एंड रैंक फिफ्थर एम एस धोनी सॉरी टीर कपूर ऋतिक रोशन सचिन तेंदुलकर और टॉप ट्वेंटी आपके पास कपिल शर्मा सबसे ऊपर है ट्वेंटी सिक्स के साथ फिर सौरभ गांगुली करीना कपूर शाहिद कपूर मोहन लाल अलू अर्जुन इन्होंने चौदह चौदह करोड़ पे करे हैं हार्दिक पंड्या कायरा अडवाणी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर है इंडिया के और इसके बाद बात करते हैं बेटा लास्ट करंट की इज ईज ईज ऑफ ऑफ डूइंग डूइंग बिजनेस बिजनेस क्या है कि किस स्टेट में बिजनेस करना कितना आसान है तो इसका एक इंडेक्स बनता है इंटरनेशनली भी इंडेक्स बनता है बट इंडिया क्या करता है ना इंडियन स्टेट्स के लिए भी हम ये इंडेक्स को लॉन्च करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे सारे इंडियन स्टेट्स में सबसे ऊपर केरला रहा अगर आप केरला में बिजनेस करें तो बहुत आसान है लाइक like, यहाँ पर आपको केरला सरकार ज्यादा परेशान नहीं कर उसके बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं अरुणाचल और, है, और तेलंगाना का लाइक यहाँ पर आ, बहुत ही मुश्किल है अगर हम बात करते हैं बिजनेस करना सॉरी एक लास्ट और न्यूज है इसरो के चेयरमैन ने एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च करी है नाम है इस बुक का इसरो एक्सप्लोरिंग New इस ने, और इस बुक के क्यूरेटर जो हैं वो टी एस सुब्रमण्यम है जो कि फॉर्मर एसोसिएट भी रह चुके हैं फ्रंटलाइन मैगजीन के इस बुक का परपज क्या है लॉन्च करने का परपज क्या है ये बुक एक्चुअली डॉक्यूमेंट करता है इंडिया की सारी अचीवमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन में फ्रॉम इट्स अर्ली डेज लाइक जब इसरो बना टू द हमको पता है नहीं पता तो बता दो 1969 में इसरो बना था बेटा और 1969 एक वो ईयर है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के नील आमस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रख चुके थे तब तो हमारा इसरो बना सोचिए कितने कम समय में हम लोगों ने कितना रिमार्केबल फीट अचीव किया है

मेरे साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग देखने के लिए अभी जुड़ जाइए ताकि बेल आइकॉन दबाना जरूर बहुत याद कर लेना कोई पैसा वैसा नहीं कटता जब भी वीडियोस ऑनलाइन जाएंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है जी थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए